हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लूकोसामिन तथा कोन्ट्रेटिन सल्फेट टेबलेट के बारे में। यह दो कंपोजिशन की एक दवा है। दोस्तों, हड्डी के ज्वाइंट्स में दर्द तथा सूजन का मुख्य कारण है ज्वाइंट्स के लिगामेंट्स, कार्टिलेज तथा टेंडन के कमजोर होने के कारण तथा ज्वाइंट के चारों ओर जमा जो फ्लूइड है उसके कम होने के कारण ज्वाइंट्स में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है। इसी को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस टेबलेट के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ग्लूकोसामिन तथा कॉन्ट्रेटिन सल्फेट टेबलेट की बात करते हैं, तो इसमें जो ग्लूकोसामिन है यह एक नेचुरल प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर द्वारा बनाया जाता है। यह प्रोटीन हड्डी तथा हड्डी के जॉइंट्स के आसपास की मांसपेशी, लिगामेंट तथा टेंडन को मजबूती प्रदान करता है, और जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज है जिसे हम कुशन कहते हैं उसको रिपेयर करने का काम करता है, और साथ ही जो जॉइंट्स के आसपास का जो फ्लूइड है उसको बनाने का काम करता है। और जो कॉन्ड्रेटिन सल्फेट है यह एक ग्लूकोसामिन ग्लूकोन कंपाउंड है। यह उस प्रोटीन को रोकता है जिस कारण से कार्टिलेज में दर्द तथा सूजन रहता है। तो इसमें जो एक दवा है यह सभी ऑर्गन्स को रिपेयर करने का काम करती है, और जो दूसरी दवा है वो दर्द तथा सूजन को ठीक करने का काम करती है। और यह दोनों ही दवाइयां सामान्य रूप से नेचुरली हमारे कार्टिलेज में मौजूद होती है, इसीलिए जब भी कमी आती है तो हमें यह टेबलेट लेनी होती है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो इसमें जो ग्लूकोसामिन है यह 500 mg और जो कॉन्ट्रेटिन सल्फेट है यह 400 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं, तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे रिज्वाइन, मेगा फ्री फ्लेक्स, फ्लेक्स गार्ड, ग्लूकाजोन, एम ज्वाइन, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह प्रोटियोग्लाइकोन सिंथेसिस स्टिमुलेंट क्लास की दवा है, जिसका मुख्य यूज बोन एंड बोन ज्वाइंट्स की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के ज्वाइंट्स में गैप कम हो जाती है, कार्टिलेज घिस जाते हैं और इसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्द होता है और सूजन आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, और ऐसी कंडीशन को ज्यादातर घुटनों में देखा गया है। तो इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के घुटनों में लिगामेंट्स तथा टेंडन में कमजोरी आ जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है, और हो सकता है इसके अलावा हड्डी से जुड़ी दूसरी बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं, तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं, तो एडल्ट व्यक्ति को दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको दिन में 2 बार भी दी जा सकती है, लेकिन इससे ज्यादा इस टेबलेट को नहीं दिया जाता है। और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद यूज किया जाता है। और इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो इस टेबलेट को 1 महीने से लगाकर 3 महीने तक दिया जा सकता है, और इस टेबलेट को कभी कभी 1-1 महीने की गैप में भी दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं, तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज ना करें। यदि कोई डायबिटीज का पेशेंट है और वो डायबिटीज की मेडिसिन को ले रहा है तो उस समय आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि जो डायबिटीज की जो मेडिसिन होती है वो इस टेबलेट के साथ इंटरेक्ट करती है, यानी कि इस टेबलेट का डोज डिस्टर्ब करती है। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है तो उसे भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है।
यदि किसी की उम्र 18 साल से कम है तो उसे भी यह टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ग्लूकोसामिन तथा कोर्टिनेट्रिन सल्फेट टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।